अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और यह फिल्म बनी है सारागढ़ की जंग के ऊपर। सारागढ़ी भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव था जो कि एक अब पाकिस्तान में है, हिंदू कुछ हिमालय की रेंज के पास ये गांव, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि 21 सिखों ने 10,000 अफगानों को धूल चटा दी थी। हालांकि हमारे ही देश के एक समाज के लोग कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और पठानों को सिख हरा ही नहीं सकते, लेकिन मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन ने इस जंग को, यहाँ तक कि यूनेस्को ने इस जंग को इतिहास की टॉप 10 जंगों में 8वें नंबर पर रखा है और ये जंग बिल्कुल सच्ची है। मैं मानता हूँ कुछ लोग बिल्कुल सेम धर्म का होने के कारण यकीन नहीं करते कि उनके धर्म के लोगों को और वो भी पठानों को 21 सिखों ने हरा दिया होगा, लेकिन ये हकीकत है और मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से 21 सिख 10,000 अफगानों पर भारी पड़े थे। ब्रिटिश शासनकाल में बहादुरी का पर्याय माने जाने वाली 36 सिख रेजिमेंट सारागढ़ी गाँव में तैनात थी और वो गाँव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि वो बिल्कुल उस गाँव के सामने अफगान थे और अफगान सीमा पर था, इसीलिए ब्रिटेन हमेशा वहाँ पर काफ़ी हैवी सेना रखती थी। लेकिन उस वक्त वहाँ पर सिर्फ 21 सिख थे और 21 सिखों के सामने अफगान फौज की एक न चली, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटेन के ऑथर्स की किताब में कि जब 10,000 अफगान अपनी सेना लेकर पहुँचे तो 21 सिखों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उनको लगा ही नहीं कि इस किले के अंदर सिर्फ 21 सिख होंगे और ऐसा लगने लगा मानो यहाँ पूरी बटालियन मौजूद है और पूरी सिख रेजिमेंट यहीं पर है। और एक सिख ने दोनों हाथों से दो दो बंदूक चलाई और सिर्फ 21 सिखों ने पूरे दिन के अंदर 500 से 600 के बीच में अफगानों को शहीद कर दिया और 500-600 अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि रात तक पूरे दिन के युद्ध के बाद 21 सिख शहीद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 21 सिखों ने पूरी की पूरी अफगान सेना को पूरे दिन जंग में लड़ाए रखा और जंग में लगाए रखा। इसके बाद 10-12 हज़ार की अफगान सेना अपनी रणनीति से भटक गई और उनको समझ में नहीं आया कि अब आगे उनकी रणनीति क्या है, जिसके तुरंत बाद ब्रिटेन ने एक बड़ी रेजिमेंट भेज दी थी यह युद्ध लड़ने के लिए और अफगान ये जंग हार गए अगले ही दिन। बेशक ही अफगानों ने उन 21 सिखों को शहीद कर दिया हो, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने हमेशा उन 21 सिखों का लोहा माना और उनके सम्मान में आज भी ब्रिटेन में उनके लिए एक दिन रखा जाता है जिस दिन 36 सिख रेजिमेंट का सम्मान किया जाता है और ब्रिटेन एम्पायर कहता है कि वो सिख रेजिमेंट का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सिख रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जो कभी हमेशा लड़ी, कभी ब्रिटेन के लिए कभी इंडिया के लिए। बेशक वो उस वक्त ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दिल में जो जज्बा था वो हिंदुस्तानी था। यह जज्बा था कि हिंदुस्तानी मिट्टी पर कोई विदेशी कदम ना रखने पाए और उनको ब्रिटेन सरकार से कुछ मतलब नहीं था, उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि ये मेरा देश है और मेरे देश में कोई भी विदेशी आकर इस तरह से नहीं घुस सकता। और 21 सिखों ने जो बहादुरी दिखाई थी सबको लोहा मानना पड़ा था। सिख रेजिमेंट भारतीय आर्मी में भी हमेशा अपना लोहा मनवाती है, चाहे कारगिल हो, चाहे 65 की जंग, चाहे 62 की जंग, चाहे 71 की जंग। ऐसा कोई बैटल फील्ड नहीं है जहां पर भारत के लिए सिखों ने अपना खून नहीं दिया हो। सिखों के खून के दम पर ही आज ये देश आज़ाद है, सिखों के खून के दम पर ही आज ये देश इतना मजबूत देश है कि इसकी तरफ दुश्मन आँख उठाकर नहीं देख सकता। 36 सिख रेजिमेंट का दुनिया पूरा लोहा मानती है, पूरी दुनिया लोहा मानती है और मानते हैं कि 36 सिख रेजिमेंट से बेहतर शायद ही कोई रेजिमेंट हो। ब्रिटिश सेना के जनरल का कहना था कि जब अफगानों ने पूरे किले को घेर लिया तो वहां पर चौकी इंचार्ज गुरुमुख सिंह ने उनको होलोग्राफ पर संदेश दिया था कि बेशक हम 21 लोग हैं, लेकिन हम 21 ने अपने दोनों हाथों में बंदूक उठा लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि हम तक जल्द से जल्द मदद पहुँचेगी और हम किला बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे और किले पर किसी का होने नहीं देंगे। हालांकि तुरंत के तुरंत मदद पहुंचना मुश्किल था, ये बात ब्रिटिश इंचार्ज को भी पता था और वहां पर चौकी इंचार्ज गुरुमुख सिंह को भी पता था, लेकिन जिस तरह से उन 21 सिखों ने जंग लड़ी ये इतिहास बन गया और यूनेस्को ने इसको विश्व की 8 श्रेष्ठ लड़ाइयों में शामिल किया। मेरे कुछ दोस्त जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं कि ये नकली है और ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हकीकत है कि 21 जंगों ने 21 सिखों ने 10,000 पठानों को धूल चटा दी थी। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।